फ्रेंड्स सब्सक्राइब कीजिए वाईफाई स्टडी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एग्जाम वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू wifistudy.com, चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग प्रेजेंट्स डेली द हिंदू वोकैबुलरी पावर्ड बाय वोकैब 24 ऐप। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि वोकैब 24 ऐप से वोकैबुलरी बहुत स्ट्रांग हो रही है, वैसे जीके स्ट्रांग करने के लिए आप जीके 24 ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है हमारे 3 पैकेजेस के बारे में, अगर अभी तक आपने इन्हें परचेस नहीं किया है तो अभी परचेस करें और अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करें। साथ में फ्रेंड्स, अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप 7023333675 पे कॉल या फिर व्हाट्सअप कर सकते हैं। इन पैकेज में फ्रेंड्स आपको 300 से ज़्यादा वीडियोज़ प्रोवाइड हो रहे हैं अपनी प्रिपरेशन के लिए। सो फ्रेंड्स, आपके पास है एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, वी आर ओपन फॉर हायरिंग। सो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे साथ काम करना चाहते हैं, वाईफाई स्टडी के साथ काम करना चाहते हैं जो कि इंडिया का लीडिंग एजुकेशन पोर्टल, सो फ्रेंड्स आपके सामने कई सारे सब्जेक्ट्स हैं जहाँ पे आप कोई भी सब्जेक्ट्स को लेकर अगर आप एक्सपर्टीज है उसके अंदर तो आप अप्लाई कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में फ्रेंड्स एक लिंक है जहां से आप अप्लाई कर सकते हैं और वाईफाई स्टडी के साथ ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को, अपने नॉलेज को स्प्रेड कर सकते हैं, अपनी एक्सपीरियंस को लोगों के साथ में शेयर कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, वहां पे आपको फॉर्म फिलअप करना है और उसके बाद आप ज्वाइन कर सकते हैं हमें। और फ्रेंड्स, एक चीज जो कि इंपॉर्टेंट है वाईफाई स्टडी टीम की तरफ से वो ये है कि जो स्टूडेंट्स या फिर जो प्रिपरेशन कर रहे हैं जिनका सिलेक्शन हो गया, अगर आप जयपुर में रिलोकेट होने को रेडी हैं तभी आप उस फॉर्म को फिलअप करें और वाईफाई स्टडी टीम को ज्वाइन कर सकें, क्योंकि हम जयपुर से ही अभी ऑपरेट कर रहे हैं और हमें जो आपकी सर्विस की रिक्वायरमेंट है वो जयपुर में ही होगी। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज के अपने पहले वर्ड से, ट्रम्बल। ट्रम्बल आज का अपना पहला वर्ड है, जहाँ जो कि एक वर्ब है जिसका मतलब होता है शेक और क्यूवर स्लाइटली, यानी कि घबराना या फिर कांपना। अगर आप थोड़ा बहुत भी शिवर हो रहे हैं, अगर आप कांप रहे हैं तो उसको अपन ट्रम्बल भी कहते हैं। ठीक है, बहुत कॉमन वर्ड है और पेपर में कई बार आता है। सिनोनिम देखते हैं, शेक, शडर, जडर, वॉबल या फिर शिवर। और एंटोनिम्स क्या है, स्टेबलाइज, बी स्टेडी, बी स्टेबल या फिर बी काम। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, ये वर्ड आपके लिए तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों ही लाइन से बहुत इंपॉर्टेंट है। देखते हैं एग्जाम्पल, माई फिंगर्स वर ट्रम्बलिंग एज आई पिक्ड अप माई गिटार एंड फेस द ऑडियंस, यानी जो मेरे फिंगर्स है वो कांप रहे थे जब मैंने पिक किया अपने गिटार को ऑडियंस के सामने। वर्ब फॉर्म देखते हैं, ट्रम्बल, ट्रम्बल्ड एंड ट्रम्बल्ड। और इसका देखते हैं रिलेटेड वर्ड क्या है, ट्रम्बलस है, यानी कि शेकिंग और क्यूरिंग स्लाइटली। अब देखते हैं ओरिजन कहाँ से, लैटिन वर्ड से इसका ओरिजन है। ठीक है, देखते हैं इसके ट्रिक। देखिए, हम्बल रहोगे हर कंडीशन में तो कभी ट्रम्बल नहीं होगे। तो अगर देखिए फ्रेंड्स, अगर आप हम्बल रहोगे कहीं पर, ठीक है, अगर आप हम्बल रहते हो, मॉडेस्ट रहते हो, हमेशा आप न्यूट्रल रहते हो, ठीक है, कभी भी गुस्सा नहीं करते हो, लोगों से प्यार से बात करते हो, तो क्या कभी ऐसा होगा कि कोई भी कंडीशन आए आप कभी ट्रम्बल होंगे, आप नहीं होंगे। तो इस तरीके से देखिए, हम्बल और ट्रम्बल इन दोनों को रिलेट करके अपन से याद कर सकते हैं कि अगर आप हमेशा हम्बल होते हो, लोगों के साथ में अच्छे से पेश आते हो, तो कोई भी चाहे कंडीशन आ जाए, आप कभी भी लोग, आप चाहे 1000 लोगों के सामने आपको बोलना हो, आप कभी ट्रम्बल नहीं करोगे। तो हम्बल रहोगे हर कंडीशन में तो कभी ट्रम्बल नहीं होगे, यानी कि कभी भी घबराओगे नहीं। इस तरीके से आप इस वर्ड को याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड अपना लेक्सिकन। लेक्सिकन एक नाउन है फ्रेंड्स, जिसका मतलब है द वोकैबुलरी ऑफ ए पर्सन, लैंग्वेज और ब्रांच ऑफ नॉलेज, शब्द कोश या फिर शब्द संग्रह। तो कोई ऐसा पर्सन जो कि डिक्शनरी लिखता हो जिसके बाद में शब्दों का संग्रह हो, उसको अपन लेक्सिकन कहते हैं। और इसके सिनोनिम देखते हैं, डिक्शनरी, वर्ड बुक, वोकैबुलरी लिस्ट, ग्लॉसरी या फिर थेसॉरस। और देखते हैं एग्जाम्पल, रैपर्स ऑफन क्रिएट न्यू वर्ड्स देयर फैन यूज एज लेक्सिकन इन देयर ओपन कन्वर्सेशन। यानी कि जो रैपर्स है वो क्या करते हैं, ऑफन नए वर्ड्स को क्रिएट करते रहते हैं अपने फैंस के लिए, और फैंस क्या करते हैं, उन सभी वर्ड को एज कन्वर्सेशन में काम में लेते हैं। रिलेटेड वर्ड देखते हैं, लेक्सिकोलॉजी, यानी कि द ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक्स दैट स्टडीज द लेक्सिकन कंपोनेंट्स ऑफ लैंग्वेज। और ओरिजन कहाँ से है, लैटिन वर्ड से ही है, ग्रीक वर्ड से इसका ओरिजन है। ठीक है, ग्रीक वर्ड से इसका ओरिजन है, लैगिन यानी कि स्पीक। अब देखते हैं इसके ट्रिक, बहुत आसान है। कुछ टैलेंटेड लोग टैक्सी में बैठ कर भी लेक्सिकन बना लेते हैं। तो देखिए, कुछ ऐसे टैलेंटेड लोग भी होते हैं जो कि टैक्सी में बैठे हुए हैं उसके बाद में भी लेक्सिकन बना लेते हैं, यानी कि शब्दकोश बना लेते हैं। ओके, टैक्सी में कहीं जा रहे हैं और उस ड्यूरेशन के अंदर ही, उस टाइम के अंदर ही क्या कर लेंगे, 2-4 वर्ड हैं वो कॉइन कर लेंगे, उनको बना लेंगे। तो ऐसे टैलेंटेड लोग भी होते हैं। तो इस तरीके से आप इसे याद कर सकते हैं, टैक्सी को लेसी से मैं रिलेट करके आपको याद करवा रहा हूँ कि कुछ टैलेंटेड लोग टैक्सी में बैठकर भी लेक्सिकन बना लेते हैं, यानी कि शब्दकोश बना लेते हैं। ओके, तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं, टैक्सी को लेसी से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड अपना मैनर। मैनर एक नाउन है जिसका मतलब है बिग हाउस ऑन ए लार्ज स्टेट, ए यूनिट ऑफ लैंड, ओरिजिनली है फ्यूडल लॉर्डशिप कंसिस्टिंग ऑफ ए लॉर्ड डैमेज। तो कोई जागीर, जो इसको अपन हिंदी में कहते हैं, यानी कि किसी के पास बहुत बड़ी प्रॉपर्टी होना, बिग हाउस होना, उसको अपन मैनर कहते हैं। सिनोनिम देखिए, मैंशन, कैसल, स्टेट या फिर चैट्यू।
ओके तो यहाँ पे देखिए मैंशन तो बहुत कॉमन सा वर्ड है, उसी से देखिए मैनर। ओके एग्जाम्पल क्या है, व्हेन द लॉर्ड टोल्ड मी आई हैड इनहेरिटेड द फैमिली मैनर, आई हैड नो आइडिया द प्रॉपर्टी वॉज अ 12 बेडरूम ड्वेलिंग। यानी कि जब लॉर्ड ने मुझे बताया कि आपको आपके परिवार का घर मिला है, जागीर मिली है, तो मुझे कोई आइडिया नहीं था वो कि वो 12 बेडरूम का घर होगा। अब देखते हैं इसे ट्रिक। इस मैन के पास लंदन में भी मैनर है। तो देखिए ये कौन है, विजय माल्या, इंडिया से भाग चुके हैं, लेकिन लंदन में भी इनके पास क्या है, एक बहुत बड़ा मैंशन है, बहुत बड़ा घर है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि इस मैन के पास क्या है, लंदन में मैनर है। तो मैन और मैनर देखिए कितने सिमिलर से वर्ड हैं, और इस तरीके से आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं कि इस मैन के पास लंदन में भी मैनर है, यानी कि बहुत बड़ा घर है। नेक्स्ट है रामशिकल। रामशिकल एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब है इन स्टेट ऑफ सवियर डिसरिपेयर, जर्जर। तो कोई ऐसी चीज़ जो कि बहुत ही बुरे हालात में है, कंडीशन में है, उसको अपन रामशिकल कहते हैं। सिनोनिम क्या है इसके, टम्बल डाउन, डेलिपिडेटेड, डेरेलिक्ट, रियूनियस या फिर डेक्रिपिट। और एंटोनिम्स क्या है, सॉलिड, स्टर्डी, रिपेयर्ड, वेल मेंटेन्ड। तो यहाँ पे आपके लिए ये दो वर्ड्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखते हैं एग्जाम्पल, टू बिल्ड न्यू सब डिविजन द सिटी इज टर्निंग टीयरिंग डाउन ऑल ऑफ द रामशिकल हाउसेज दैट वर अबेंडन आफ्टर द हेरिकेन। ओके यानी कि जो नए बिल्डिंग को बनाने के लिए सिटी में सभी जो जर्जर हाउस है जो कि हरिकेन आने के बाद में खराब हो गए थे, टूट गए थे या खाली छोड़ गए थे, उन सभी को सही कर रहे हैं। अब देखते हैं इसकी ट्रिक, बहुत आसान है। राम ने शकील के रामशिकल हाउस को सही करने में मदद की। तो एक पर्सन है उसका नाम है राम और उसका फ्रेंड है शकील। बहुत ही कॉमन से वर्ड है, आपने कई बार सुने होंगे दोनों नाम। तो राम क्या कर रहा है, शकील की रामशिकल घर को सही करने में मदद कर रहा है, ठीक है। तो राम और शकील दोनों क्या कर रहे हैं, शकील के रामशिकल घर को सही करने में मदद कर रहे हैं। तो रामशिकल घर का मतलब क्या हुआ, बहुत ही जर्जर हालात में घर होना। तो राम और शकील, राम ने शकील के रामशिकल हाउस को सही करने में मदद की, यानी कि उसको जर्जर हाउस को सही करने में मदद करी। इस तरीके से देखिए राम और शकील, इन दोनों नाम को आप रामशिकल से लेट करके याद कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइम पेपर में आएगा तो आप इजीली समझ जाएंगे इसका मतलब ऑटोमेटिकली। नेक्स्ट वर्ड है ब्यूचर। ब्यूचर एक वर्ब है जिसका मतलब है किल अ पर्सन और इनडिस्क्रिमिनेटली और ब्रूटली, मार डालना। तो किसी का मर्डर करना, किसी को मार डालने को ब्यूचर कहते हैं। सिनोनिम क्या है, मैसेकियर, मर्डर, स्लॉटर, किल, पुट टू डेथ। एंटोनिम्स क्या है, सेव गार्ड या फिर प्रोटेक्ट। देखते हैं एग्जाम्पल, इन अडाना मॉस्क्यू मैनी पीपल्स वर ब्यूचर्ड इन द प्रोविंस, यानी कि अडाना मॉस्क्यू में कई सारे लोगों को मार दिया गया। वर्ब फॉर्म्स क्या है, ब्यूचर, ब्यूचर्ड एंड ब्यूचर्ड, और रिलेटेड वर्ड क्या है, ब्यूचरी, यानी कि ब्यूचर्ड खाना जहाँ पे मर्डर किए जाते हैं। अब देखते हैं इसकी ट्रिक, बहुत आसान है। ब्यूचर करने की कोशिश की फिर भी बच गए। तो देखिए ये कौन है, ये श्रीलंका टीम है, कई सालों पहले पाकिस्तान गई थी और पाकिस्तान में गोली चलाई थी, इनके ऊपर अटैक किया था। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि इनको ब्यूचर करने की कोशिश करी लेकिन फिर भी ये बच गए। ओके तो बचने को ब्यूचर से लेट कर सकते हैं। ओके तो अगर ब्यूचर का मतलब क्या है कि मार डालने की कोशिश की थी फिर भी बच गए। तो ब्यूचर और बचना देखिए बहुत सिमिलर से वर्ड है और दोनों ही एक दूसरे के उल्टे हैं। ब्यूचर करना मर्डर, मर्डर करना, और बचाना यानी कि सेव करना। ओके तो ब्यूचर करने की कोशिश की फिर भी बच गए। नेक्स्ट वर्ड है अपना सीथ। सीथ एक वर्ब है जिसका मतलब है बी फील्ड विथ इंटेंस बट अनएक्सप्रेस्ड एंगर, तो अधिक गुस्से में होना। तो कोई ऐसी चीज़ होना जिसमें आप बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाओ लेकिन एक्सप्रेस नहीं करो उस एंगर को, उसको अपन कहते हैं सीथ। सिनोनिम देखिए, बी एंग्री, बी फ्यूरियस, बी एनरैग्ड, बी इंसिस्ड, बी फ्यूरिएटेड, बॉयल, सिमर या फिर रेग। ओके तो देखिए रेग वर्ड इंपॉर्टेंट है, रेग पेपर में कई बार आता है, और फ्यूरियस भी ठीक है, इसको भी आप ध्यान रख सकते हैं, बाकी सभी इजी हैं। अब देखते हैं एंटोनिम्स, बी काम, बी ट्रैंक्विलाइज। ओके देखते हैं इसका एग्जाम्पल, मैनी सिविल राइट एक्टिविस्ट विल सी टू वंस दे लर्न अनदर अनआर्म्ड मैन हैज़ बीन किल्ड बाय द पुलिस। यानी कि कई सारे सिविल राइट एक्टिविस्ट है वो गुस्से में हो जाते हैं जब उन्हें पता लगता है कि एक अनआर्म्ड पर्सन को मार दिया गया पुलिस के द्वारा। वह फॉर्म्स देखते हैं, सीथ, सीथ एंड सीथेड। अब ओरिजिन कहाँ से, ओल्ड इंग्लिश वर्ड से ही है, ठीक है। अब देखते हैं इसके ट्रिक, देखिए इनको सी करके हमें सीथ आ जाता है। तो ये कौन है, अजमल कसाब। इनको अगर अपन देख लेते हैं ना तो देखते गुस्सा आ जाता है, क्यों, क्योंकि 250 लोगों की मौत के जिम्मेदार है मुंबई अटैक के। तो इस तरीके से अपन इसे याद कर सकते हैं कि इनको सी करके हमें क्या आ जाता है, सीथ आ जाता है, यानी कि गुस्सा आ जाता है जो कि अपन दिखाते नहीं हैं। ओके तो इस तरीके से सी को अपन सीत वर्ड से लेट करके इसे हमेशा के लिए याद कर सकते हैं कि इनको सी करके हमें सीत आता है, यानी कि अत्यधिक गुस्सा आता है। ओके
देखते हैं नेक्स्ट वर्ड, मेहम। मेहम एक नाउन है जिसका मतलब है वायलेंट और एक्सट्रीम डिसऑर्डर। कियोस, लड़ाई करना, उत्पात मचाना, खलबली करना, सब कुछ डिसऑर्डर कर देना, उसको अपन मेहम कहते हैं। सिनोनिम क्या है? कियोस, डिसऑर्डर, हैवक, बेडलम, पेंडेमोनियम, ट्यूमल्ट, अप्रॉर या फिर टर्मोइल। तो देखिए यहाँ पर कई सारे इंपॉर्टेंट वर्ड हैं। कियोस भी पेपर में पूछते हैं एसएससी के अंदर, हैवक तो इंपॉर्टेंट है ही, पेंडामोनियम भी इंपॉर्टेंट है, ट्यूमल्ट भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये चारों वर्ड इंपॉर्टेंट है। एंटोनिम्स का है काम, पीस, हारमोनी। एग्जाम्पल, ए क्रिमिनल वॉज एस्केप फ्रॉम प्रिजन एंड कॉज मेहम इन द सिटी। यानी कि एक क्रिमिनल जो था वो छूट के चला गया प्रिजन से और उसने उत्पात मचा दिया पूरी सिटी के अंदर। ओरिजिन कहाँ से? ओल्ड इंग्लिश वर्ड से ही है, ओल्ड फ्रेंच वर्ड से है। देखते हैं इसके ट्रिक। मे में हम नानी के गए तो चोरों ने घर में मेहम किया। तो देखिए गर्मियों की छुट्टी आती है तो बच्चे कहाँ जाते हैं? नानी के जाते हैं। तो मे के अंदर क्या हुआ? हम नानी के गए तो पीछे से एक चोर ने क्या कर दिया? मेहम मचाया, मेहम कर दिया, यानी कि उत्पात मचा दिया, पूरे घर को तोड़ फोड़ दिया। ओके, तो इस तरीके से आप इसे याद कर सकते हैं कि मे में हम नानी के गए तो चोरों ने पीछे से मेहम किया, यानी कि उत्पात मचा दिया। ओके, इस तरीके से आप इसे इजीली याद कर सकते हैं, कभी भी लाइफ में इस वर्ड को नहीं भूलेंगे अगर आप इसको एक या दो बार भी रिपीट कर लेंगे तो। नेक्स्ट वर्ड है टैम्पर। टैम्पर बहुत ही आसान सा वर्ड है जिसका मतलब है मन स्थिति, मनोदशा। मन की आपकी कैसी स्थिति है, आप गुस्से में हैं या फिर काम है, वो पता, उसको बोलते हैं अपन टैम्पर। सिनोनिम क्या है? टेम्परमेंट, डिस्पोजिशन, स्टेट ऑफ माइंड, मेंटल स्टेट। और एग्जांपल क्या है? सिंस माय ब्रदर हैज अ प्रॉब्लम विथ हिज हीटेड टैम्पर, इट इज़ हार्ड फॉर हिम टू हैव रिलेशनशिप। यानी कि मेरे ब्रदर की प्रॉब्लम है कि उसका बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है, उसको टेम्परमेंट बहुत हाई है, इसीलिए बहुत मुश्किल है उसके साथ में रिलेशनशिप में रहना। वर्ब फॉर्म्स क्या है? टैम्पर, टैम्पर्ड एंड टैम्पर्ड। रिलेटेड वर्ड क्या है? टैम्पर, यानी कि टू पुट इन ट्यून विथ समथिंग। अब देखते हैं इसके ट्रिक, बहुत आसान है। सिटी में टेम्परेचर हाई होता है तो टेम्पर भी हाई हो जाता है लोगों का। तो देखिए जब भी गर्मियाँ आती है ना तो टेम्परेचर हाई होता है, और जब हाई टेम्परेचर होता है तो लोगों का भी टेम्परेचर हाई होता है सिटी। ओके, आप हमेशा देख लेना, लोग बहुत ज़्यादा छिझे हुए लोग होते हैं, ठीक है, गर्मियों के अंदर, क्योंकि ऑलरेडी बहुत परेशान होते हैं टेम्परेचर की वजह से। तो उस टाइम पे क्या होता है, उनका टेम्परमेंट हाई होता है। तो टेम्परेचर हाई होगा शहर का तो क्या होगा, टेम्पर भी लोगों का हाई होगा। इस तरीके से आप इसे इजीली याद कर सकते हैं टेम्परेचर से लेट करके। नेक्स्ट वर्ड है अपना इंपीरियल। इंपीरियल यानी कि एडजेक्टिव, एक वर्ड है, यह एडजेक्टिव है और इसका मतलब है राजसी या फिर शाही। कोई भी ऐसी चीज जो कि रिलेटेड है एम्परर से, एम्पायर से, उसको अपन एम्पीरियल कहते हैं। सिनोनिम क्या है? रॉयल, रेगल, मोनार्किकल, किंगली, क्वीनली या फिर प्रिंसली। एंटोनिम्स क्या है? कॉमन या फिर ऑर्डिनरी। एग्जाम्पल क्या है? इंपीरियल प्रोसीजर इंक्लूड बोइंग इन फ्रंट ऑफ द किंग एज वेल एज एड्रेसिंग हिम बाय द अप्रोप्रिएट टाइटल। यानी कि इंपीरियल जो प्रोसीजर है उसमें क्या है कि आपको सजदा करना पड़ेगा किंग के सामने और अप्रोप्रिएट टाइटल के साथ में उनको एड्रेस करना पड़ेगा। रिलेटेड वर्ड क्या है? इंपीरियलिज्म यानी कि साम्राज्यवाद, इंपीरियली यानी कि शाही ढंग से, और लैटिन वर्ड है इंपीरियम, उससे इसका ओरिजन है। अब देखते हैं इसके ट्रिक। देखिए इंपीरियल हाउस ऑफ जापान में इंपीरियल रहते हैं, तो इंपीरियल हाउस ऑफ जापान कहाँ है, इसके अंदर कौन रहता है? एम्परर रहते हैं, ठीक है। अभी वहाँ पर एम्परर कौन है? अकिहितो। अकिहितो वहाँ पर एम्परर है, वहाँ के राजा हैं। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि इंपीरियल हाउस में जापान में इंपीरियल रहते हैं यानी कि शाही लोग रहते हैं। तो ऑब्वियस है अगर इंपीरियल हाउस है जापान का, बहुत फेमस है, बहुत नाम है इसका, तो वहाँ पर कौन रहेगा? इंपीरियल ही रहेगा। और इंपीरियल कौन हुआ? राजा हुआ इंपीरियल। तो इस तरीके से अपन इंपीरियल हाउस ऑफ जापान से इंपीरियल को रिलेट करके इसे याद कर सकते हैं। देखते हैं लास्ट वर्ड आज का, बेड रॉक। बेड रॉक का मतलब क्या है कि आपके बेड के अंदर रॉक है, यानी कि मजबूत है आपका बेस, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑन विच समथिंग इज बेस्ड। तो कोई भी चीज़ का जो आधारशिला है उसको अपन बेड रॉक कहते हैं, कोर, बेसिस, बेस, फाउंडेशन या फिर रूट। एग्जाम्पल है मॉन्क रिलीजियस बिलीव आर द बेड रॉक ऑन विच हीज लाइफ इज बेस्ड। यानी ये मॉन्क की रिलीजन बिलीफ है, वो आधारशिला होती है जिसके ऊपर वो अपनी ज़िंदगी जीता है। अब देखते हैं इसके ट्रिक। देखिए इनके घर के बेड में रॉक है इसलिए इनका बेड रॉक अच्छी है। तो देखिए ये जो पर्सन है इनके, ठीक है, घर के नीचे क्या है, बेड में रॉक है इसलिए इनका बेड रॉक जो है ना वो बहुत मजबूत है। यानी कि जो इनकी आधारशिला है ना, इस घर की आधारशिला की बात कर रहा हूँ मैं, इस घर की जो आधारशिला है वो बहुत मजबूत है क्योंकि रॉक के ऊपर टिका हुआ है, अर्थक्वेक का ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप आसानी से याद कर सकते हैं कि इनके घर के बेड में रॉक है इसलिए इनका बेड रॉक अच्छी है, यानी कि इनकी आधारशिला अच्छी है। तो इस तरीके से अपन इसे याद कर सकते हैं, बेस को अपन कहते हैं बेड रॉक। सो फ्रेंड्स वापस अपन एक बार इन सभी को रिवाइज करेंगे। आज का अपना पहला वर्ड था ट्रम्बल, यानी कि हम्बल रहो के हर कंडीशन में, तो कभी ट्रम्बल नहीं होगे यानी कि घबराओगे नहीं। कुछ टैलेंटेड लोग टैक्सी में बैठकर भी लेक्सिकन बना लेते हैं, यानी कि डिक्शनरी बना लेते हैं, शब्दकोश बना लेते हैं। इस मैन के पास लंदन में भी मैनर है यानी कि जागीर है,
राम ने शकील के रामशेकल हाउस को सही करने में मदद की, या रामशेकल यानी कि जजर, बूचर करने की कोशिश की फिर भी बच गए, यानी कि मार डालने की कोशिश करी। इनको सी करके हमें सीत आता है, यानी कि गुस्सा आता है। मई में हम नानी के गए तो चोरों ने घर में मेहम किया, यानी कि पूरा का पूरा उत्पात मचाया। सिटी में टेम्परेचर हाई होता है तो टेम्पर भी हाई हो जाता है लोगों का, यानी कि मनोदशा। इंपीरियल हाउस ऑफ जापान में इंपीरियल रहते हैं, यानी कि राजा रहते हैं। इनके घर बेड पे रॉक है, इसलिए इनका बेड रॉक अच्छी है, यानी कि इनकी आधारशिला अच्छी है। सो फ्रेंड्स, ये आज के अपने वोकैब थे। और अभी देखते हैं जो हमने क्वेश्चन ऑफ द डे हमने आपसे पूछा था, मोस्ट अपोजिट पूछा था हमने आपको, यानी कि एंटीनम पूछा था। आर्ग्यूड का आपको बताना था, तो आर्ग्यूड का मतलब जो होता है वो होता है इंटेलिजेंट, ठीक है, जो इंटेलिजेंट होता है उसको अपन कहते हैं आर्ग्यूड। तो इसका जो सिनोनिम है वो तो ये है, श्रूड, ये तो इसका सिनोनिम हुआ। और एंटीनम क्या हुआ, फूलिश हुआ। तो इसका जो आंसर हुआ वो बी ही इसका आंसर हुआ। बहुत लोगों ने इसका आंसर सही दिया है। आज का जो अपना मोस्ट सिमिलर वर्ड आज का जो आपको बताना है, जो क्वेश्चन ऑफ द डे है, वो है मिलस्ट्रॉम। ओके, आपके सामने चार ऑप्शन है फ्रेंड्स, और सही दीजिए गलत दीजिए लेकिन आंसर जरूर करिए, क्योंकि इससे आपको हेल्प मिलेगी फ्यूचर में उस वर्ड को याद रखने की, और आपको कमेंट करके इसका आंसर बताना है। तो देखते हैं, ट्रिक बनाओ तो जाने, कल मैंने आपको एक लैंग्वेज के वर्ड की ट्रिक दी थी, जिसका मतलब था कमजोर हो जाना। तो यहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ ट्रिक्स आई है, जैसे कि एक राकेश जी की आई है, लोकल लैंग्वेज सही आने से करियर लैंग्वेज हो जाता है। तो अगर लोकल लैंग्वेज नहीं आती किसी को तो उसका करियर कैसा हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है। सही बात है, जैसे कि गुजरात जुडिशियल सर्विसेज का पेपर है तो वहाँ पे गुजरात आना ज़रूरी है। अगर आपको लोकल लैंग्वेज नहीं आएगी तो आपका करियर कैसा हो जाएगा, लैंग्वेज हो जाएगा, यानी कि कमज़ोर हो जाएगा। और एक और है शादाब जी की, सिगरेट पीने से लंग्स लैंग्वेज हो जाते हैं, यानी कि कमज़ोर हो जाते हैं। तो लंग्स को इन्होंने लैंग्वेज से रिलेट किया है, जो कि बहुत अच्छा तरीका है। उम्मीद है इससे आपको ये दो वर्ड कभी भूलने में, अभी कभी आप इसे नहीं भूलेंगे। और आज का जो वर्ड है वो है स्टिग्मा। स्टिग्मा की आपको ट्रिक बतानी है और आपको कमेंट करना है। और सेंटेंस फ्रेमिंग की बात करें फ्रेंड्स, तो यहाँ पे कृष्णन जी ने और दीपांश जी ने दो सेंटेंस बनाए, काफ़ी लोगों ने सेंटेंस बनाए, मुझे सभी के बहुत पसंद आए फ्रेंड्स, लेकिन मैं इन दो की मेंशन कर रहा हूँ। और यहाँ पे इन्होंने टेररिज्म से रिलेट किया है इसको, जो अपने 10 वोकैब थे, और यहाँ पे इन्होंने एक जनरल चीज़ों से रिलेट किया है, और तीन या चार लाइन्स के अंदर इसे कम्प्लीट किया है, ठीक है। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आज भी आप ऐसा ही करेंगे और कोशिश करेंगे पूरा सेंटेंस फ्रेम करने की, किससे, आज के अपने वोकैब से। उम्मीद है इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। एक महीने तक करिए, आप अपने आप में एक बहुत ही बड़ा चेंज महसूस करेंगे। सो फ्रेंड्स, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। उम्मीद है आप अपने पेपर के लिए बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। वीडियो को लाइक शेयर करना ज़रूर ज़रूर कीजिए, कभी ना भूलें। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो तो ज़रूर कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही अच्छे वीडियोज़ लाते रहते हैं, जो होते हैं शानदार, ज़बरदस्त, जिंदाबाद।